खबर जनपद नैनीताल के काला ढूंगी से है, जहां बीते 3 सप्ताह से बंद पड़े रामनगर हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे को रविवार से सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि बरसात के सीजन में भारी बारिश के कारण चलकुआ के पास स्टेट हाईवे में सड़क और पुल बह गया था। पहले 3 बार पुल रिपेयर करने के बावजूद भी जब मार्ग बंद हो गया तो फिर PWD विभाग ने नाले में वैली ब्रिज लगाकर उससे यातायात शुरू किया। लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी पुल टूटने की वजह से यातायात में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर विभाग ने दिन रात काम कर वैली ब्रिज बना दिया है, जिसका सफल ट्रायल करने के बाद आज से उस पर सभी वाहनों का यातायात शुरू कर दिया गया है। काला ढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। ये आप लोग देखे होंगे कि इसमें 2-3 बार दैवीय आपदा आ गई, 7 अगस्त को और फिर 12 अगस्त को। और पहली बारी में इसका थोड़ा सा एक अपार्टमेंट बहा था, उसको हम लोगों ने तुरंत सिक्योर कर लिया था, रिस्टोर कर लिया था और यातायात फिर सुचारू हुआ। लेकिन फिर 11 अगस्त की रात में फिर बहुत बड़ी दैवीय आपदा आई, उसने जो हमारा काम किया हुआ था उसको भी बहा दिया। लेकिन हमने फिर दोबारा रिस्टोर करते हुए यातायात सुचारू कर दिया था। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि वैली ब्रिज बनाया जाए, लेकिन 31 अगस्त की रात में 31 जुलाई को काफ़ी बड़ी आपदा आई, जिसमें अबटमेंट का जो दूसरा हिस्सा था वो पूरा बह गया और बहने के बाद हमारे पास वैली ब्रिज का ऑप्शन था और इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए 100 फुट स्पैन का हमारे पास हमारे स्टोर में प्रिक्योर था ऑलरेडी, उस वैली ब्रिज को हमने 3 तारीख से काम आरंभ कर दिया था। उससे पहले हमने उसके पेडल्स बनाने शुरू करे थे और 15 अगस्त को हमारा लक्ष्य था, हमने 15 अगस्त के विदिन इस कार्य को पूर्ण कर लिया था। 16 तारीख को हमने इसका ट्रायल भी लिया लोड और 54.4 टन के लिए हमारे वाहन इसमें पास हो रहे हैं। इस समय हमने जो डिज़ाइन किया है, जो मतलब कंस्ट्रक्ट किया है, ये 40R डिज़ाइन का है। 40R का मतलब है कि 40 टन के वाहन इसमें चल सकते हैं। इसको हम स्टेट हाईवे के दृष्टिगत 70R में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी कंक्रीट की स्ट्रेंथ पूरी नहीं है, तो 20-21 दिन के बाद हम इसको 70R में कन्वर्जन करेंगे।